एंड वेलकम, नमस्कार। न्यूज क्लिक में मैं आपको स्वागत कर रहा हूं। मैं परंजॉय गुहा ठाकुरता हूं और आज मेरे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक है, जो एक तरह से समाज शास्त्री है, समाज विज्ञान में उन्होंने पढ़ाते हैं, सतीश देशपांडे जी। सतीश जी, धन्यवाद आप न्यूज क्लिक को आपका समय दिया है। और मैं आपसे कुछ सवाल उठाना चाहता हूं। मैं आपका लेख पढ़ा जो इंडियन एक्सप्रेस में 24 जुलाई में छपा, और उसका जो सुर्खियां हैं सबसे लोगों को आश्चर्य कर दिया कि हमें विरोध करना है जिस तरह से एक अपराधी विकास दुबे का हत्या हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह से उसको हत्या किया, जो अंग्रेजी में हम कहते हैं एनकाउंटर किलिंग, और साथ साथ किस तरह से एक 80 साल का उम्र का एक तेलुगु भाषी, एक तेलुगु कवि वरावरा राव, जो आज मुंबई में जेल के अंदर है, और जिस तरह से उसका जीवन खतरे में है, वो कोविड पॉजिटिव उसको टेस्ट किया गया, तो ये दो व्यक्ति का तुलना आपने क्यों किया, ये पहले आप सरल भाषा में समझाइए, उसके बाद और भी मैं आपसे सवाल उठाऊंगा। नहीं, ये सवाल आपका बड़ा वाजिब सवाल है। जो चीज बहुत से लोगों के गले नहीं उतरती, वो चीज ये है कि नागरिक अधिकार, जिसे हम कहते हैं, वो नागरिक अधिकार हर नागरिक को लगभग बिना शर्त के प्राप्त होते हैं। जब आप किसी देश के नागरिक हैं, किसी आधुनिक देश के, किसी न्याय संगत देश के, जिस देश ने कानून और न्याय की बात को माना जाता है, तो जो देश या जो राज्य कानून के मुताबिक काम करता है, उस राज्य में नागरिक अधिकारों का मौलिक स्थान है, बुनियादी स्थान है। तो इसका मतलब ये कि ऐसा राज्य, यानी कि जो कानून को मानने वाला राज्य बतला नहीं देता, वो कानून को कायम करने की कोशिश करता है। हर बार जब कानून को तोड़ा जाता है, कोई भी अपराधी, कोई भी मुजरिम जब कानून को तोड़ता है, तो क्रिमिनल लॉ, जिसे हम कहते हैं आपराधिक कानून, वो कानून मानता है कि ये अपराध राज्य के खिलाफ हुआ, और वो चाहता है, राज्य चाहता है कि कानून को जिस तरह से तोड़ा गया उसको दोबारा से कायम किया जाए, न कि उस व्यक्ति से, उस मुजरिम से बदला लिया जाए। तो इसका मतलब यह होता है कि बड़े से बड़े जो जुर्मी होते हैं, यानी जो बहुत बड़े बड़े जुर्म करते हैं या अपराध करते हैं, जैसे कोई खूनी है, कोई बलात्कारी है, इनके भी अधिकार होते हैं, और यही लोगों के गले नहीं उतरती। तो लोग समझते हैं कि कोई गुंडा था, कोई बहुत गिरोह का कोई नेता था, तो उसको पुलिस ने गोली मार दिया तो कौन सी बड़ी बात हुई, और दूसरी तरफ कोई कहते हैं कि बहुत खूंखार, बहुत भयानक नक्सली है और राज्य के खिलाफ ही काम कर रहा है, तो अगर वो जेल में कोविड से मर भी जाए तो क्या बुरा है, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बुरे काम किए हैं तो उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए, और इस रूप में सजा मिलती है तो इसमें क्या बुरा है। तो मैंने जानबूझ के इनको दोनों को साथ रखा, जिससे कि लोगों को ये थोड़ा सा चौंके लोग, और फिर ये एहसास हो कि जो नागरिक अधिकारों की बात है, वो जो लोग हमें पसंद नहीं है उनके भी नागरिक अधिकार होते हैं। यही मैं बताना चाहता हूँ। नहीं, अध्यापक सतीश देशपांडे जी, आप ये दो व्यक्ति को तुलना के थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं हमारा वार्तालाप, हमारा चर्चा। जो हमारे NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक बार नहीं, बार बार वरावर राव का जो जमानत नहीं दे, क्यों? उन्होंने कह रहे कि वो अनड्यू बेनिफिट, ये कोविड का जो 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 महामारी चल रही है, इसकी अनड्यू बेनिफिट यानी कि अनुचित फायदा उठाने चाहते हैं। जेल में आज 22 महीना है बराबर रहा, उसके साथ
दस लोग और भी है इसमें, गौतम नवलखा, बहुत सारे लोग है। ये सारे लोग वो भीमा कोरेगांव कांड में उनको कहा कि आप अर्बन नक्सल, आप सरकार कहा कि आप देशद्रोही है। आपका लेख जब छपा था, दस लोग ये भीमा कोरेगांव कांड के लिए अंदर जेल के अंदर थे। एक और व्यक्ति आपके विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हानी बाबू को भी आज गिरफ्तार कर लिया। तो ये है वरावरा राव का कहानी। मगर आपका लेख में यू आर क्वाइट सार्कास्टिक, आप एक तरह से निंदपूर्ण, एक तरह से आप एक व्यंग्यपूर्ण आपने लेख लिखा तना के साथ कि दुबे एक तरह से एक सामाजिक कार्य करता है जो राजनेता का जो समस्या है उसका समाधान देता है। दुबे इज लाइक अ सोशल वर्कर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवरवर्क्ड पॉलिटिशियन, वो जो राजनेता ज्यादा काम कर रहे हैं। तो इसमें तो हम देख रहे हैं व्यंग है, साथ साथ आपने कहा कि दोनों हिंदू, दोनों ब्राह्मण, मगर एक मंदिर में जाते हैं। हम जानते हैं विकास दुबे का गिरफ्तार किया उज्जैन में एक मंदिर के अंदर से, मगर वरावरा राव भी हिंदू है, वो भी ब्राह्मण है, मगर वो आज नास्तिक है। तो आप एक समाज शास्त्र में आप पढ़ाते हैं, एक आप समाज विज्ञान समझते हैं, ऐसा तरह से आपका क्यों तुलना करने का जरूरत था? तुलना में खासकर जब हम कोई ऐसी चीज लिख रहे हैं जो आम लोगों के लिए लिख रहे हैं, तो तुलना ऐसी हो जो चौंकाने वाली हो, जो बहुत करीब करीब की चीजें हैं, इनकी तुलना हम करें तो उसमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं होती। तो इसीलिए मैंने कोशिश की थी कि तुलना ऐसे लोगों की जाए जो आमतौर पर लोग जिन्हें एक ही कोटी में नहीं रखें। तो इसलिए, और इसका जो निहित इसमें जो संदेश है वो यही कि नागरिक अधिकारों की मौलिकता को हम जिस तरह का जुर्म या जिस तरह का उनके ऊपर आरोप है, क्योंकि अभी तो वो आरोपी हैं दोनों, विकास दुबे और वरवर राव मात्र आरोपी थे, उनके खिलाफ जो भी जुर्म या जो भी अपराध उन्होंने किया है उसका दावा कर रही है राज, उसे साबित नहीं किया गया था। तो इसीलिए उनके नागरिक अधिकारों को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं ये नहीं कह रहा था कि उनको गिरफ्तार करना गलत है, मैं ये कह रहा हूं वरवर राव को गिरफ्तार करना कानूनी है, सही है, और यूएपीए के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति है कि साधारण तौर पर जिस तरह बाकी लोगों को जमानत दी जाती है उसी तरह इन लोगों को भी जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि यूपीए के तहत भी जमानत नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है, वो थोड़ी मुश्किल से मिलेगी, आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन यूएपीए के तहत भी जमानत मिलने की गुंजाइश है। Okay. लेकिन इसके बावजूद एक 81 साल के बूढ़े को जो कोविड-19 की बीमारी से अब ग्रस्त है उसको भी जमानत आप नहीं दे रहे हैं, दो साल तक वो जेल में रहा है और उसने कोई इसमें आपत्ति नहीं जताई। तो मेरा मानना यही था कि इसमें जमानत देने में कोई हर्ज नहीं। समझाया। मैं एक और सवाल आपसे उठाना चाहता हूँ सतीश देशपांडे जी, ये आपने यूएपीए का बात किया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो 1967 में इसको भारत सरकार ने, हमारे देश के सांसद ने इसको लागू किया, हिंदी में इसका नाम है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम। एक तरह से सरकार को बहुत क्षमता मिलता है ये यूएपीए, और साथ साथ ये यूएपीए का दुरुपयोग करने का भी बहुत सारा संभावना है। इस विषय के ऊपर बहुत सारे लोग टिप्पणी किया, आलोचना किया, और साथ साथ एक और कानून है जो ब्रिटिश जमाने के से 1870 का एक कानून है, ये है सेडिशन एक्ट, यानी कि देशद्रोही कौन है, ये भी एक कानून है। ये दो कानून के बारे में आपका क्या राय है? जी, पहले हम यूएपीए की बात करें। एक तरह से इसको देखा जाए तो यूएपीए जैसा कानून है वो एक खानदानी कानून है, इसे आप मान सकते हैं, ऐसे कानूनों का एक खानदान है। इसके पहले, यूएपीए के पहले और दूसरे कानून थे, टाडा नाम के कानून, उसके पहले मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके पहले और ऐसे कानून है।
तो एक लंबा खानदान है ये, और इस कानून के बहुत सारे पूर्वज हैं। तो ऐसे कानून दुनिया के लगभग हर देश में पाए जाते हैं कि जहां किसी प्रकार की राज्य सत्ता के खिलाफ ही कोई मुहिम छेड़े तो उसको काबू में करने के लिए ये खास कानून कहलाते हैं, स्पेशल लॉस कहलाते हैं, क्योंकि ये साधारण नागरिक अधिकारों का जो तर्क है उस तर्क के लिए ये अपवाद बनते हैं, एक्सेप्शन बनते हैं। तो इसीलिए ऐसे कानूनों का होना कोई अचरज की बात नहीं है, लगभग हर देश में ऐसे कानून मिलते हैं, लेकिन इन कानूनों का उपयोग कैसे किया जाता है सवाल यही बनता है। तो अगर ये कानून खास हालात के लिए बने हैं, यानी कि कोई गिरोह या कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है राज सत्ता के खिलाफ, तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन ऐसी समस्याएं आज के जमाने में हर रोज उभर कर आएंगी ऐसा तो नहीं हो सकता, या देश के हर इलाके में उभर कर आएंगी ऐसा नहीं हो सकता। जो 3 साल के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो से, उसके मुताबिक हमें बताया जाता है कि UAPA को 900 से ज्यादा, 930 के लगभग औसत बनता है 3 साल का, 2016 से 2018 तक का। तो यानी कि भारतीय राजतंत्र जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक है, उसको लगभग दिन में 2.5 बार ये डर सताता है कि कोई षड्यंत्र उसके खिलाफ रचा जा रहा है। ये तो इस पे विश्वास नहीं किया जाता कि इतना हमारा राजतंत्र इतना लड़खड़ाता सा है, इतना कमजोर है कि दिन में 2.5 बार उस पर कुछ कार्रवाई हो रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जब ये अपवाद के रूप में बने हैं तो इनका इस्तेमाल भी अपवाद के रूप में होना चाहिए। तो इनका सामान्य बनना नागरिक अधिकारों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं एक और सवाल कहना चाहता हूं, क्योंकि आपका लेख में जो इंडियन एक्सप्रेस का लेख है, इसमें आपने ये दो शब्द का इस्तेमाल किया, स्टेट विजिलेंटिज्म, यानी कि जो सरकार है, जो राज है, इसका एक अधिसत्कर्ता, वो समझते हैं कि कानून के भी ऊपर मैं हूं, या जो पुलिस अधिकारी है। और ये आज देख रहे हैं, ये महामारी के समय में हम देख रहे हैं कि हर जगह में हर कोई छोटा पुलिस का कोई अफसर, कोई कांस्टेबल अपने आप को समझता है कि मैं जो मर्जी हम कर सकते हैं। तो एक तरह से हम हर बच्चों को सिखाते हैं, स्कूल में सिखाते हैं, कॉलेज में सिखाते हैं कि द लॉ इज अबव नो मैन, कि अगर आप जितने भी बड़े व्यक्ति हैं, आप जितने भी बड़ा आदमी हैं, आपके पास जितना भी क्षमता है, कानून सबसे ऊपर है। मगर हम आज देख रहे हैं एक अतिसत्कर्ता, जो भी सत्य में है, दे बिलीव दे कैन बी लाइक विजिलेंटिज्म, इसके बारे में आप कहिए कुछ। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि कानून सबसे ऊपर है, सर्वोपरि कानून होता है, ये तो सही है। इसके साथ साथ जो उदारवादी राजसत्ता यानी लिबरल स्टेट की जो आधुनिक परंपरा है, जो जिसे हम मॉडर्न लिबरल स्टेट कहते हैं, यानी कि आधुनिक उदारवादी राजसत्ता, तो इसका एक बुनियादी उसूल ये रहा है कि राजसत्ता के जो अलग अलग आयाम हैं, डायमेंशंस हैं, इनको अलग रखा जाएगा। तो इसीलिए ये एक आम बात है कि हर देश में, हर आधुनिक देश में, हर आधुनिक राज्य में जिसे हम विधायिका कहते हैं यानी लेजिस्लेचर कहते हैं, वो भी राजसत्ता का भाग है, लेकिन वो एक अलग भाग है। और जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं या जुडिशरी कहते हैं, वो भी राजसत्ता का भाग है, लेकिन वो एक अलग भाग है। और तीसरा कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव जिसे हम कहते हैं, वो भी एक राजसत्ता का भाग है, लेकिन अलग है। इन तीनों का, इस त्रिमूर्ति का अलग रहना बहुत जरूरी है। और जिसे हम स्टेट विजिलेंटिज्म कहते हैं, या जिसका जो उदाहरण आप दे रहे थे, उसमें क्या होता है कि इस अलगाव को एक तरह से मिटा दिया जाता है। तो पुलिस अफसर, उदाहरण के लिए आप लीजिए पुलिस अफसर को, तो पुलिस अफसर सोचता है उसका काम है, वो कार्यकारिणी का भाग है, तो
उसका काम है किसी भी अपराध की जांच करना और अपराधी को पकड़ना, उसका काम नहीं है सजा देना, उसका काम नहीं है। सजा क्या कितनी होगी, क्या होगी, होगी भी या नहीं, ये सारा तय करता है न्यायपालिका, जो कि कार्यकारिणी से अलग है। तो जब कोई पुलिस अफसर एनकाउंटर किलिंग, जिसे हम कहते हैं एनकाउंटर हत्या करता है, अब एनकाउंटर शब्द हर भारतीय भाषा में आ गया है, दुर्भाग्य की बात है, लेकिन जो एनकाउंटर के नाम से जो प्रसिद्ध हो जाते हैं या कुख्यात हो जाते हैं जो पुलिस अफसर, उनकी गलती ये नहीं है कि वो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी गलती ये है कि वो कानून में उनकी जो भूमिका है उससे कहीं आगे बढ़कर जा रहे हैं और अपने को वो न्यायाधीश भी घोषित कर दे रहे हैं और वो सजा भी दे रहे हैं, मुजरिम को पकड़ भी रहे हैं, उसकी जांच भी कर रहे हैं और वो सजा भी खुद ही दे रहे हैं। जो he is the investigator, he is the prosecutor, he is the judge. Yes, yes. Investigator, judge, jury, executioner. जी सब जी, कुछ। मेरा आखिरी सवाल है, और हम थोड़ा पूरा विश्व में जब देख रहे हैं, आप जैसे आपका लेख में भी देखा, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, अलग अलग देशों में हम देख रहे हैं, आप जैसे कहा द राइज ऑफ ऑथोरिटेरियन पॉपुलिज्म, कि सत्तावादी एक लोक लुभावनवाद हम देख रहे हैं, कि हमारी जो राजनेता है, ये आप ट्रंप कहिए या प्यूटिन का नाम कर सकते हैं, आप अर्दोगान का नाम करते हैं, बोल्सोनारो का नाम कर सकते हैं, अपने नरेंद्र मोदी जी का नाम भी कीजिए, सब लोग एक तरह से एक सत्तावादी लोक लुभावनवाद में लग रहे विश्वास करते हैं। ये एक स्थिति में हम कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे? हम अपने आप को कहते हैं वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, पूरा विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम, फिर भी हम देख रहे एक तरह से एक सत्तावादी, एक ऑथोरिटेरियन काइंड ऑफ जो 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 मंशा से हमारे राजनेता काम कर रहे हैं। इस विषय के ऊपर आप थोड़ा और हमारे दर्शक के लिए विस्तार से बताइए। इसे हम दो दिशाओं से देख सकते हैं, इस उभार को, जो जिस उभार की आप बात कर रहे थे कि एक खास प्रकार के राजतंत्र की, एक खास प्रकार की राजनीतिक शक्तियों का उभार हुआ है हाल के दौर में, तो इस उभार के पीछे हम ये देख सकते हैं कि इससे पहले जो था उस शासन तंत्र की जो गलतियां थी या जो उसकी जो त्रुटियां थी, जो कमियां थी, उस हिसाब से देख सकते हैं कि इसके पहले जो आया उसके बरक्स ये जो नई चीज है ये बेहतर क्यों लगी लोगों को, एक तो सवाल ये हो सकता है। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि दुनिया भर में एक तरह का जो प्रवाह है, एक तरह की लहर है, वो आहत अस्मिताओं की लहर है, अग्रीव्ड, जिसे अंग्रेजी में हम कहें अग्रीव, या जिनको कोई शिकायत है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई, ऐसी अस्मिताएं, सो अग्रीव्ड आइडेंटिटीज। तो ये जो अस्मिताएं हैं ये वाकई में तथ्यात्मक तौर पर कमजोर नहीं है, ये अल्पसंख्यक नहीं है, ये आम तौर पर बहुसंख्यक होती हैं, पर भी अपने आप को समझते हैं, बहुसंख्यक होने के बावजूद भी अपने आप को समझता है हमारा कोई दुख है, शिकायत है, वो आपने जैसे कहा वी फील अग्रीव्ड, इवन इफ सारी दुनिया हमारे खिलाफ है जी, और यानी हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और ये भावना आती है कि हमारे ही देश में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो इस भावना को तूल देने में और राजनीतिक स्तर पर और चुनावी स्तर पर भुनाने में जो शक्तियां कामयाब होती हैं वो अब उभर कर आ रही हैं, केवल हमारे देश में नहीं, दुनिया में, जैसा कि आपने बहुत सारे उदाहरण गिनाए, उस तरह सारे देश में ऐसे आ रही है। मैं दो और नाम कर सकता हूँ, हंगरी का ओरबान, चीन का जी जिनपिंग, सब लोग को आप एक 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 तरह से एक ढांचा में आप देख रहे हैं। बहुत सारे फर्क भी हैं इनमें, ऐसा नहीं है कि सब बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी समानताएं भी हैं, और उन समानताओं की हम बात कर रहे हैं अभी। तो मोटे तौर पर इस उभार के पीछे यही कारण है
कि एक आहत प्रकार की अस्मिता जो वास्तव में दबंग है, लेकिन उसे ये एहसास है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है और इस नाइंसाफी को दूर करना जरूरी है। और इसे दूर करने के लिए जो अधिनेता, जो नेता सामने आता है, वो एक खास किस्म का होता है और उसमें वो सारी प्रवृत्तियां होती हैं कि राजसत्ता का एक तरह से निजीकरण, पर्सनलाइजेशन ऑफ स्टेट पावर, और वो एक अधिनायक के रूप में, एक हीरो के रूप में सामने आता है, एक व्यक्ति, एकल व्यक्ति के रूप में, और चाहे वो जिस किसी भी पार्टी का हो, वो पार्टी गौण हो जाती है, उसके सामने वो बौने पड़ जाती है और वो खुद अकेला व्यक्ति एक महामानव जैसे सामने आता है। ये हमने कई देशों में देखा है और वो हमारे देश में भी, हमारे देश में भी हम देख रहे हैं। जी जी, यही हमारे देश में भी हो रहा है। तो चूंकि ये एक अंतरराष्ट्रीय परिघटना है, केवल हमारे देश की बात नहीं है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है ये कोई ऐतिहासिक दौर है, एक कालखंड है, एक पीरियड है जिससे हमें किसी न किसी तरह गुजरना होगा और इसके उस पार क्या है इसके बारे में सोचना होगा। धन्यवाद सतीश देशपांडे जी, आप सरल भाषा में न्यूज़क्लिक के दर्शक के लिए आपने समझाया आपका क्यों आपने तुलना किया ये एक अपराधी विकास दुबे के साथ एक कवि वरावरा राव की, और आप ये भी हमारे दर्शक को बताया कि ये जो हम सत्तावादी लोक लुभानवाद हम देख रहे हैं, अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म है, ये सिर्फ भारतवर्ष में नहीं दुनिया के अलग अलग देशों में हम देख रहे हैं। आप सुन रहे थे सतीश देशपांडे जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक है, समाज शास्त्री है, और आप लोग देखते रहिए न्यूज़क्लिक। Thank you.